नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान से रियलिटी पर। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे इस अनंत ब्रह्मांड में सबसे दुर्लभ चीज क्या हो सकती है? सितारों से भरे इस ब्रह्मांड में क्या कुछ ऐसा भी है जो इतनी दुर्लभ है कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है? आज के वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ चीजों के बारे में। इस वीडियो के अंत तक आपको ऐसी अद्भुत और दुर्लभ जानकारी मिलेगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपको हमारा कंटेंट जरा भी अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। यह हमें प्रोत्साहित करेगा और भी अच्छे कंटेंट के लिए। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। हमारी पृथ्वी, हमारा सौरमंडल और यहां तक कि हमारी पूरी गैलेक्सी मिल्की वे ब्रह्मांड के विशाल आकार के सामने कुछ भी नहीं है। ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन गैलेक्सियां होने का अनुमान है। इतने बड़े ब्रह्मांड में दुर्लभ चीजों का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि इतनी विशालता के बावजूद कुछ चीजें इतनी दुर्लभ क्यों होती हैं? तो दोस्तों, आइए जानते हैं ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ चीजों के बारे में। एंटी मैटर ब्रह्मांड में सबसे दुर्लभ चीजों में से एक है। जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो मैटर और एंटी मैटर समान मात्रा में बने थे, लेकिन आज हम एंटी मैटर को ढूंढने के लिए प्रयोगशालाओं का सहारा लेते हैं। नासा और सीएर्न जैसी संस्थाएं इसे समझने में जुटी हुई हैं। एंटी मैटर का महत्व भविष्य में ऊर्जा का असीम स्रोत बन सकता है। क्वार्क तारे, जो न्यूट्रॉन स्टार्स से भी अधिक दुर्लभ हैं, ये तब बनते हैं जब न्यूट्रॉन तारे अपने घनत्व से भी आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये तारे अत्यंत छोटे होते हैं, लेकिन उनका घनत्व अकल्पनीय होता है। आज तक वैज्ञानिकों ने इनका केवल परिकल्पना में अध्ययन किया है। ओ टाइप तारे सबसे गर्म और चमकीले तारे होते हैं। ब्रह्मांड में केवल 0.00003% तारे ओ प्रकार के होते हैं। ये अपने जीवन काल में बहुत तेजी से जलते हैं और कुछ ही लाख वर्षों में समाप्त हो जाते हैं। इनकी दुर्लभता और अल्प जीवन काल इन्हें ब्रह्मांड की सबसे अनोखी चीजों में से एक बनाता है। डार्क मैटर ब्रह्मांड का एक रहस्यमय हिस्सा है। यह ब्रह्मांड के 27% हिस्से में फैला हुआ है, लेकिन इसे सीधे देखा नहीं जा सकता। यह पदार्थ सितारों और गैलेक्सियों को बांध कर रखने में मदद करता है। इसकी खोज विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। 55 कैंक्री ए नामक ग्रह, जिसे डायमंड प्लेनेट भी कहा जाता है। यह ग्रह कार्बन से बना है और माना जाता है कि इसका बड़ा हिस्सा हीरे का है। यह पृथ्वी से 40 प्रकाश वर्ष दूर है और अपनी चमक के कारण वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित करता है। ग्रेट वॉइड ब्रह्मांड का एक क्षेत्र है जहां कुछ भी नहीं है। इसे बॉयोट्स वॉइड कहा जाता है। यह क्षेत्र इतना बड़ा है कि इसमें 10,000 गैलेक्सियां समा सकती हैं, लेकिन यह लगभग खाली है। इसकी खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया था। दोस्तों, आपने देखा कि इन दुर्लभ चीजों का अस्तित्व कितना रोचक है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये इतनी दुर्लभ क्यों है? कुछ चीजें ब्रह्मांड के निर्माण के समय की घटनाओं से प्रभावित हुई, अन्य चीजें भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाओं की वजह से दुर्लभ बनी। इन दुर्लभ चीजों का अध्ययन करना हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है। तो दोस्तों, इन दुर्लभ चीजों के बारे में जानकर आपका क्या ख्याल है? क्या आपने कभी ऐसी कोई चीज देखी या इसके बारे में सुना है? अगर हां, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान से रियलिटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रोमांचक वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।